अच्छा आज बेसिकली मैं आपको रिटेनिंग वॉल टू रिटेनिंग वॉल जॉइंट का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो अच्छा सबसे पहले ये देख सकते हो, ये आपके पास रिटेनिंग वॉल है, ये आपके पास क्योंकि बैक फिलिंग आ रही है, ये आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, ये आपके पास बेसमेंट है, ठीक है। वो लोअर बेसमेंट या अपर बेसमेंट होगी, आपके पास ग्राउंड फ्लोर है। अब इसमें एक आपके पास ये रिटेनिंग वॉल आ रही है, एक आपके पास ये रिटेनिंग वॉल जा रही है, फिर आपके पास ये रिटेनिंग वॉल मीन्स कि आपके पास इस तरह एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब जो आपके पास ये रिटेनिंग वॉल हो रही है, इसको आप इंटरकनेक्ट कैसे करोगे इस रिटेनिंग वॉल से, ठीक है। वो कैसे करोगे मैं आज आपको वो बता दूँ। अब देखो ये आपके पास रिटेनिंग वॉल नीचे से उठ रही, रिटेनिंग वॉल थ्रू आउट बाहर जा रही। अब इसमें ये जो है आपके पास मैन बार्स हैं, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार, मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब मैन बार, इसकी जो मैन बार हैं देखो, ये यहाँ पे आके यहाँ एंड अप, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हैं ये आपको नज़र आ रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ आपके ख़त्म हो रही और इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ मिल रही, ठीक है, हुक नहीं प्रोवाइडेड। फिर उसके बाद अगर आप देखो, ये जो आपके पास मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही, ये यहाँ पे आके इसके साथ मिल रही, मीन्स के ये जो है अब आपके पास ये डबल, ये सेक्शन हो गया, एक यहाँ पे सेक्शन आके ख़त्म हो रहा, दूसरा सेक्शन यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा। आपने इसको आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ बार्स, हुक्स नहीं प्रोवाइडेड। अब ये देखो एक्स प्रोवाइड कर दिया, एक यहाँ पे आ रहा, एक यहाँ पे, बेसिकली एक्स हो गया। इस तरह आपने एक्स प्रोवाइड कर दिया, इस तरह एक्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये जो है, ठीक है। अब ये बार्स इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, ये बीच में आपस में एक्स प्रोवाइड आपने कर दिए। सो बेसिकली इस तरह एक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं, सेम सिचुएशन, यहाँ पे एक बार जो आपके पास ये रिटेनिंग वॉल आ रही, एक जो आपके पास ये रिटेनिंग वॉल आ रही, दोनों को आपने यहाँ पे एक्स कर दिया, ठीक है। मीन्स का ये सेक्शन भी थ्रू आउट वहाँ पे निकलेगा, ये सेक्शन भी थ्रू आउट वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। दोनों को आपने लेके आगे चलना है, हुक नहीं प्रोवाइडेड, क्योंकि हमारे पर ड्राइंग में जो है हुक नहीं गिवन। अगर आपके ड्राइंग में हुक गिवन है, कि आपने हुक भी प्रोवाइड करनी है, फिर आपने हुक भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग कंस्ट्रक्शन करवाते होते हैं। अभी मैं आपको अगर इस साइड दिखाऊं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अब यह रिटेनिंग वॉल यहाँ से इधर आई, वो वहाँ पे आपके पास उसी तरीके से एक्स प्रोवाइडेड, ये थ्रू आउट आगे चलेगी, ये भी थ्रू आउट आपके पास इधर आ गई, ठीक है, देख सकते हो। और ये अगर आप इसको यहाँ प्रॉपरली देखो, देखो ये एक्स बन रहा है, ये गया, ये गया, फिर ये गया, ये गया, ये मींस के एक्स सा बनाते होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे आके आपके पास ये ख़त्म हो रही, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल होती है उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड को समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।